दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले प्रवेश परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के मन में कुछ सवाल बहुत ज़्यादा चलते हैं, लेकिन कल मुझे अपने कमेंट सेक्शन में एक नया सवाल देखने को मिला। दोस्तों इस वीडियो में उसी कमेंट्स को लेकर पूरी चर्चा करने वाला हूँ और दोस्तों बताने वाला हूँ आपको कि एडमिशन के बाद जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके पास होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से वो सारे डाउट्स निकल जाएंगे। बहुत सारे सवाल जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी पूछे गए हैं, तो उन्हीं सब कमेंट्स को लेकर ये वीडियो मेरा पूरा होने वाला है। दोस्तों मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल डेली डोज बॉक्स। हमेशा आपके लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आता रहता हूं, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर लीजिएगा ऑन, क्योंकि कभी भी आपके लिए कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट वीडियो आ सकता है जो आप मिस नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिएगा और हम वीडियो शुरू करते हैं, सुनते हैं और समझते हैं सारी चीज़। जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा देते हैं अभ्यर्थी, वो सबसे ज़्यादा जो है इंतज़ार करते हैं रिजल्ट का। रिजल्ट का इंतज़ार मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं मेरे भी जो मतलब चाहते हैं कि रिजल्ट आ जाए। फिलहाल में रिजल्ट की जो है अपडेट ऐसी ही चल रही है, आजकल हो रहा है, लेकिन रिजल्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन एक सवाल कल मुझे अपने कमेंट्स में मिला, दोस्तों वो नया सवाल था, इसीलिए सोचा कि उस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट किया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक कमेंट है, इन्होंने ये पूछा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा क्रॉस करने के बाद इंटरव्यू भी होता है। दोस्तों ये सवाल पता नहीं कहां से उनके मन में आया, हो सकता है किसी ने बताया हो या हो सकता है उन्होंने कहीं कुछ वीडियो वगैरह देखा हो तो इसीलिए पूछा हो। दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय के जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है आपका JNVST एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो नेसेसरी होता है, वो भी आपको पूरा करना पड़ेगा, लेकिन इंटरव्यू नहीं होता है। दोस्तों इस जो कमेंट का जवाब है वो है नो, देयर इज़ नो इंटरव्यू आफ्टर सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद अगर आपने परीक्षा दी है और आपने JNVST एंट्रेंस एग्जाम क्रॉस कर लिया है, आपका लिस्ट में नाम है, तो आपका वहां पर इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू मतलब कोई पैनल नहीं बैठेगा स्पेशली आपका जो है इंटरव्यू लेने के लिए। लेकिन जब आप एडमिशन अपना लेने जाओगे तो वहां पर आपसे प्रिंसिपल बात कर सकते हैं, कोई टीचर होगा वो बात कर सकता है, आपको मतलब मॉनिटर कर सकता है, आपको मेंटरशिप दे सकता है, मेंटर की तरह आपसे बात कर सकता है। तो ये आपका ब्रेन वॉश करने के लिए होता है, ना कि इंटरव्यू। तो हो सकता है कि जो इनका सवाल है वो उसी टाइप का हो, पता नहीं कहीं से सुना होगा कहीं से देखा होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब ये है कि कोई भी पर्सनली इंटरव्यू नहीं होता है कि चार लोग बैठे होंगे, पैनल बैठा होगा, आपको अंदर बुलाया जाएगा, फिर आपसे पूछताछ की जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप सिंपली अपना जो है एडमिशन टेस्ट क्रॉस करिए, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा करिए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाई कराइए और अपना हॉस्टल में आप अपना शिफ्ट हो जाइए, आपका एडमिशन हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एडमिशन के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मैं एक एक करके आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं जो आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपका जो है मूल निवास यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप बेनिफिट मतलब लेना चाहते हैं, कोई स्पेशल कास्ट है जैसे OBC हैं, अगर आप ST हैं SC हैं तो आपके पास उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए दोस्तों। और अगला सर्टिफिकेट है हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट आपके CMO ऑफिस से बनेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लीजिए, आपका आसानी से बन जाएगा, आप मेडिकली फिट होने चाहिए दोस्तों। क्लास 5th का रिजल्ट भी वहां पर मांगा जाता है। तो ये 3 से 4 जो मिलिट्री चीज़ें हैं वो आपके पास 100% होनी चाहिए वहां पर, जिस दिन आप अपना वेरिफिकेशन कराने जाएंगे आफ्टर रिजल्ट। ये 3 से 4 चीज़ें होती हैं जो आपके पास होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें जो हैं अगर आपके पास नहीं है तो वहां पर एक एफिडेविट लग जाता है, समय मिल जाता है, आप बनवा के जमा कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा एक सवाल और आया है कि अगर विद्यालय अर्बन एरिया में है, मेरा फॉर्म रूरल एरिया का पड़ा है, तो क्या मुझे रूरल एरिया का फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा आपको। विद्यालय कहीं भी स्थित हो सकता है, विद्यालय रूरल में हो सकता है, अर्बन में हो सकता है, लेकिन आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो आपका जो एड्रेस होगा
वो रूरल एरिया का होगा, तो आपको रूरल एरिया का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये अगर आपके पास नहीं होंगी तो बड़ी हो जाती हैं। तो आप अपने मन में कोई भी डाउट मत रखिए, जैसे ही रिजल्ट आए आप तुरंत ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। रिजल्ट के बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता है और डॉक्यूमेंट्स आपको जो मैंडेटरी हैं वो आपके पास होने चाहिए, बाकी के लिए आपको समय मिल जाता है दोस्तों। और थोड़ा सा समय निकाल के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।